वही आतंकी संगठन आईसिस का भारत प्रमुख गिरफ्तार हो गया है। जानकारी के मुताबिक देहरादून का रहने वाला आरोपी हारिस फारूकी उर्फ हरीश अजमल फारूकी भारत में आईसिस का प्रमुख है। वही संबंध में देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हारिस फारूकी पिछले 12 सालों से देहरादून नहीं आया है। गलत गतिविधियों के चलते हारिस फारूकी का परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। असम के धबरी जिले में जो है आईएसआई का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं, और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आए, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने उसको वेरिफिकेशन भी किया था, और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से ना कभी आया है, ना फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था, इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी, और ये सूचना प्राप्त होने के बाद इसकी कल गिरफ्तारी बॉर्डर क्षेत्र से हुई है। जो भी इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाएंगे उस पर आधे जिला उस पर उसके आधार पर जिला पुलिस और यहाँ के एजेंसी इसमें आगे वर्क करेंगे।